सिर्फ केक आइसक्रीम ही नहीं, बाजार से आने वाली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें मिठास के लिए चीनी आदि सामान्य शुगर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की तरफ से आर्टिफिशियल मिठास को खाने की चीजों में इस्तेमाल की अनुमति दी गई है, लेकिन पिछले महीने पटियाला में केक खाने के बाद 10 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बाद केक भेजने वाली बेकरी के कई केकों की जांच में सिंथेटिक स्वीटनर की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई है, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद एक सवाल पैदा हो गया है कि क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की ज्यादा मात्रा खाने से जान भी जा सकती है, क्या यह वाकई जिंदगी के लिए खतरनाक है? आइए जानते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, उनकी एक्यूट टॉक्सिसिटी नहीं होती, यानी कि बहुत थोड़े वक्त में जैसे कि 24 घंटे के अंदर अगर उसकी कुछ मात्रा खाई जाए तो वह अचानक स्वास्थ्य पर खराब असर नहीं डालती है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा मात्रा में सैक्रिन खा ले तो पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग होना, सर दर्द, उल्टी आदि की शिकायत हो सकती है। आपको बता दें कि भारत में आमतौर पर सस्ते खाद्य पदार्थों में सैक्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी पेय पदार्थों जैसे कि केक, कैंडी, आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, योगर्ट, च्युइंगम आदि में एस्पार्टम, सुक्रालोज, नियोटेम, आइसोमाल्टोलोज, एसएसएलफेन आदि आर्टिफिशियल मिठास डाले जाते हैं। भारत में इन 6 आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अनुमति प्राप्त है। FSSAI ने इन चीजों की मात्रा भी निश्चित की हुई है। कितनी मात्रा ले सकते हैं सिंथेटिक स्वीटनर? WHO का कहना है कि इसके कम मात्रा में सेवन सुरक्षित हो सकता है। शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम पर 40 मिलीग्राम की मात्रा से खतरा नहीं है। इसकी मात्रा बढ़ा देने पर शरीर में ब्लड शुगर का लेवल तेजी से बढ़ जाता है, जिससे जान भी जा सकती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर इंसान के शरीर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कर सकते हैं।